हेलो गाइस, मैं हूं आपका फिल्म ट्रेनर हाजी रोहित। ने जानकारी लेकर दोस्तों, आज का विषय है अजिनोमोटो। व्हाट इज अजिनोमोटो? ये अजिनोमोटो होता क्या है? कांच के छोटे छोटे क्रिस्टल के जैसे दिखने वाला नमक, जिसे हम चाइनीज नमक के नाम से जानते हैं। कई लोग तो इसे अजिनोमोटो के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो नमक का नाम अजिनोमोटो नहीं है। अजिनोमोटो ये नमक बनाने वाली सबसे पुरानी और पहली कंपनी थी, जिसका नाम था अजिनोमोटो। चाइनीज नमक के नाम से ये जो नमक फेमस है, इसका ओरिजिनल और रासायनिक नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे हम चाइनीज नमक के नाम से भी जानते हैं। तर इस नमक का यूज चाइनीज खाने में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम चाइनीज नमक पड़ा। आजकल स्वाद के लिए चाइनीज डिशेज के अलावा इंडियन और दूसरी डिशों में भी, यहाँ तक कि मैगी में भी, KFC के प्रोडक्ट्स में भी इस नमक का यूज हो रहा है। कई देशों में तो सेहत को लेकर इस नमक को बैन किया गया है, जबकि भारत में भी कुछ जगहों पर इस नमक को बैन किया गया था। लेकिन कई शोध से पता चला कि चाइनीज नमक हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, कोई भी चीज़ अति हो जाती है ना, तो खराब जरूर करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चाइनीज नमक खाते जाओ और बोलोगे कि ये स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। तो यह बात गलत है दोस्तों। कोई भी चीज़ अधिकता होता है ना, तो वो चीज़ आपके शरीर को हानि कर सकता है।